बार ऐसा दिख रहा है कि बदरपुर बॉर्डर से लेकर और एक मिनट भाई लाल किले तक किस प्रकार देखो लाइन लगा के खड़े हैं। ये कोई किराए की बुलाई भीड़ नहीं है, ये राहुल गांधी की भीड़ है, ये राहुल गांधी की भीड़ है। और 2024 के अंदर जब मोदी जबरदस्ती का कोरोना लाना चाहता है उसको गुजरात भेजेंगे। ये राहुल गांधी जी के मोहब्बत में और प्यार में जहाँ से चले कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जो यात्रा लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी जी, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, भाईचारा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। जो बीजेपी में थे लोग, हमारे पंडित जी बीजेपी में थे, ये छोड़ करके इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो भगवाधारी ने देश का सरकार बनाया था और आज भगवाधारी को जिसमें अहम भूमिका है, जो हमारे देश जोड़ो भारत जोड़ो में सबसे अहम भूमिका रहेगी और सब पब्लिक जितने भी हमारे भाईचारे बंधु लोग हैं सब में। और आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन जहाँ कहा जा रहा था भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली आ चुकी है और यहाँ के लोग हैं तो यहीं से जानेंगे। और ये वही रास्ता कैमरा जो पहले तो ये रास्ता दिखा दे, ये रास्ता वही है जहाँ पे अभी कुछ समय के बाद इसी रास्ते से राहुल गांधी जी जाएंगे और यहाँ के लोग हैं तो इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने आखिर भारत जोड़ो यात्रा की यहाँ पे क्या तैयारी करी। भगवाधारी है जी, लगातार हर जगह भगवाधारियों की बात की जा रही है। हाँ, तो भगवाधारी ने देश का सरकार बनाया था और आज भगवाधारी को जिसमें अहम भूमिका है, जो हमारे देश जोड़ो भारत जोड़ो में सबसे अहम भूमिका रहेगी और सब पब्लिक जितने भी हमारे भाईचारे बंधु लोग हैं सब में ये संदेश फैलेगा कि हमें आपस में प्रेम भाव होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रेम भाव की बात कर रहे हैं आप, तो मोदी जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते तो कहने को तो आगे आके बोले, क्या कह रहे हैं आप? राहुल भैया विकास करेंगे अभी। अच्छा, वो कर रहे नहीं, उन्होंने सरकार बड़ी मुकेश अंबानी के सरकार भाई कर रहे हैं, वो उनके भाई कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? हाँ, महाराष्ट्र से आए। हाँ, संगमनेर से आए बाला साहब। तो दिल्ली वासियों ने क्या तैयारी करके रखी है यहाँ? ये राहुल गांधी जी के मोहब्बत में और प्यार में जहाँ से चले कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जो यात्रा लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी जी, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है, भाईचारा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। जो बीजेपी में थे लोग, हमारे पंडित जी बीजेपी में थे, ये छोड़ करके इसी वजह से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। अच्छा। जो ये हमारे बराबर में समाजवादी में थे यूपी के अंदर, वे उन्होंने छोड़ करके कांग्रेस को ज्वाइन की है। मुस्लिम समुदाय से लग रहे लगातार हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है। देखिए मैं बताऊँ आपको, अभी पहले आरएसएस बीजेपी जो है पहले जनसंघ के टाइम में भी जिस टाइम में अडानी अंबानी, अब इस टाइम जो कह रहे हैं ना विकास किसका हो रहा है, विकास सिर्फ अडानी अंबानी का हो रहा है। अच्छा। और किसी का विकास नहीं हो रहा, हर चीज़ में महंगाई करके और इस देश को गुलाम करने के कगार पे कर रहे हैं। अच्छा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए है कि ये भूमाफियाओं को जो ये लोग जो है, लेकिन आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, वही जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने राहुल गांधी की चिट्ठी लिख के कहा है कि रोक देनी चाहिए यात्रा क्योंकि कोविड है। उनको डर है, उनको डर है इस यात्रा से, 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल जी, तुमको इनको डर है इस बात का, अगर यात्रा को नहीं रोकी तो ये गड़बड़ हो जाएगी सारी और गड़बड़ होनी है, यात्रा रुक नहीं सकती। कोविड कुछ नहीं है, कोविड नहीं है तो रोकना चाह रहे जबरदस्ती। आप कह रहे हैं 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री, गारंटी से बनेंगे बिल्कुल। 2024 में खत्म है इनकी कहानी। मेरे देश है ना, मेरे देश के लोग है ना, ये बहुत समझदार लोग हैं। क्या कह रहे हैं अभी आप? मैम कह रहे थे कि 17 साल उन्होंने 17 साल 8 साल कह रहे हैं ये 2047 ना 2047 के अंदर 1947 में देश आजाद हुआ, उस टाइम सुई भी नहीं होती। इस 17 सालों के अंदर सुई से लेकर हवाई हर चीज की प्रोग्रेशन हुई है। अच्छा। उसके 8 साल के अंदर इन्होंने देश को बेच दिया। हाँ। गैस कहाँ थी क्या थी, हर चीज महंगाई के अंदर गरीब मर रहा है बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, ना क्या कह रही थी, इतनी महंगाई हो रही है सब चीजों पर, ये तो आपको ही। अच्छा, आप महंगाई की बात करें लेकिन वित्त मंत्री ने तो कहा है ना महंगाई नहीं है, वही तो ना पहले नहीं थी, आप ज्यादा है ना, आप ज्यादा कर दिए, बच्चे कैसे पा। क्या लग रहा है राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, क्यों भाई? क्या तैयारी करके रखी, इसी रास्ते से जाने वाले हैं अभी कुछ ही समय? तैयारी तैयारी है, सारे सब देखने के लिए खड़े हैं। अच्छा, है देखने के लिए खड़े और क्या? बदलाव आने वाला है। क्या कह रहा है? बदलाव आने वाला है। अच्छा, बदलाव, लोग नफरत छोड़कर, लोग नफरत छोड़कर मोहब्बत की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत से जुड़ रहे हैं। भारत तो सीमाएं पहले जुड़ी हुई है, तो नफरत पहले भी कहाँ थी आप? हाँ, अभी स्पीड में नफरत चलिए, पहले नहीं थी, अभी स्पीड में नफरत थी। नफरत का बाजार घुमा है। अच्छा। नफरत का बाजार गर्म हुआ है, उस नफरत को खत्म किया जा रहा है राहुल जी इसी बात को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा में। और साइकिल से आपसे पूछूंगी, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, आप किस भावना के साथ भारत जोड़ो में आए हैं इस रैली? मैं 20 साल से कांग्रेस पार्टी का काम करता हूँ, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में साइकिल के साथ नांदेड़ से श्रीनगर तक जा रहा हूँ। राहुल गांधी के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा में श्रीनगर तक जाऊंगा मैं। अच्छा, साइकिल के साथ। अच्छा। हाँ बताए, हम कन्याकुमारी से श्रीनगर जा रहे राहुल भैया के साथ में, हमारे 5 बेटे गए, हम कांग्रेस के, देखो हम महाराष्ट्र के संगमनेर बाला साहब तौर से चल रहे। अभी 2024 में राहुल भाई के सत्ता आने वाली, अभी वो लौट गई,
अभी राहुल भाई के लाड़ कह रहे 2024 दावे तो आपने गुजरात में भी किए थे। आएंगे ये बंदे हो गए नहीं, बड़ा हंस रहे पीछे से, आगे आ जाए। हाँ बताओ क्या पूछना है। राहुल गांधी इसी रात्र इसी रास्ते से निकलने वाले, क्या तैयारी कर रखी है? तैयारी सारे कार्यकर्ता पीछे लगे हुए हैं साथ में ये। अच्छा गाजियाबाद से आए हैं राहुल गांधी के लिए। हाँ जी, पहली बार ऐसा दिख रहा है कि बदरपुर बॉर्डर से लेकर और एक मिनट भाई लाल किले तक किस प्रकार देखो लाइन लगा के खड़े हैं। ये कोई किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये राहुल गांधी की भीड़ है, ये राहुल गांधी की भीड़ है। और 2024 के अंदर जब मोदी जबरदस्ती का कोरोना लाना चाहता है उसको गुजरात भेजेंगे। गुजरात तो जीत ही लिया है। जब 2014 से पहले मोदी जी रैलियां करते थे, भीड़ दिखाते थे, हम सुरक्षा में शेर नियता से सड़कों पे आ रहा है कन्याकुमारी 3100 किलोमीटर भाइयों, आज 3100 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। 3100 किलोमीटर। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिख के राहुल गांधी जी से कहा है कि यात्रा को रोक देना चाहिए कोविड के। डर 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 मोदी डर गया, मोदी डर गया, मोदी डर गया। कोरोना हमें तो नहीं कोरोना, कहाँ कोरोना, यहाँ साले को मारा कान पे, कहाँ कोरोना, जबरदस्ती कोरोना का बीच में लाया जा रहा है। राहुल गांधी का डर है कोरोना कोरोना कोरोना। हाँ कोरोना की ये बात कर रहे हैं, ये सुबह मीटिंग बुलाते हैं, संसद में जाते हैं मास्क लगा के, और शाम को शादी अटेंड कर रहे बिना मास्क के, वहाँ कोरोना नहीं है मोदी जी के लिए, वहाँ कोरोना नहीं है। चाइना की फ्लाइट अभी भी ऑन है, बंद नहीं है अभी, इन्होंने इंटरनेशनल ट्रैवल अभी बंद नहीं करा, लोग आ सकते हैं तो उनको पहले वो करना चाहिए सीधा इनको। लेकिन युवा भारत जोड़ो यात्रा में बहुत कहा जा रहा है कि रोजगार, महंगाई, इन सब मुद्दों को लेकर है, लेकिन भाजपा लगातार दावे कर रही है कि रोजगार दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं दिखना चाहिए ना, कहाँ दे रहे हैं, कागज में देना, कागज में देना और असलियत में देने में बहुत अंतर होता है। कागज में तो मैं लिख दूं कि मैंने 1 करोड़ रुपए दे दिए, अब असली में किसी को मिले नहीं मिले क्या मालूम पड़ेगा। मैम एक बात कहना चाहता हूँ, जब एक चैनल एक पत्रकार को नहीं खरीदा गया और उन्होंने पूरा एनडी टीवी खरीद लिया तो ये और क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं। एक रवीश कुमार को नहीं खरीदा गया जो अच्छा पत्रकार था, जो अच्छा पत्रकार था जिसके नाम से एनडी टीवी चलता है, और रवीश कुमार को नहीं खरीदा था, उन्होंने चैनल ही खरीद लिया। मीडिया इनकी, मंत्री इनके, सब कुछ इनका, लेकिन पब्लिक इनकी नहीं है, पब्लिक राहुल गांधी की है। आम जनता जो है, देश का युवा भी राहुल गांधी को समर्थक करेगा, कर रहा है करेगा भी। मीडिया किनको बताए, देश में बदलाव की लहर आ चुकी है, पत्रकार नहीं खरीदा गया इनसे। मैडम ये अगर ये वोट डलवाए ना बैलेट पेपर से, ये आज भी हार रहे हैं, ये मशीनों में हेरा फेरी करे। जब चांद पे हम तो हिमाचल जीत गए, सुन लो मेरी बात सुन लो, चांद पे हम सैटेलाइट भेजते हैं रिमोट कंट्रोल से, यहाँ से जमीन से भेज रहे हैं, और क्या मशीनें सेट नहीं होती, मशीनें सब सेट हैं। तो हिमाचल में भी कांग्रेस जीती, मैं बता रहा हूँ इसका भी कारण बता रहा हूँ। हिमाचल में जानबूझ के दिया, दिल्ली में केजरीवाल को जानबूझ के दिया, गुजरात इन्होंने जीतना था, गुजरात आ जाते इनकी नाक कट जाती। अच्छा ये सारी मशीनों में सेटिंग हो रही है, मीडिया से नाक कटेगी 2024 में, नाक कटेगी गुजरात जानते हो, कह रहे हैं 2047 तक रहेंगे। अरे झूठ बोलते हैं ये, अब ये 47 साल नजर नहीं आएंगे। अच्छा। अब ये 2024 के बाद 47 साल नजर नहीं आएंगे, झूठ का बाजार ज्यादा दिन गर्म नहीं होता। ये राहुल गांधी जी अभी इसी रास्ते से निकलेंगे, कैसे स्वागत करेंगे, दिल से जो हो सकेगा फूल डालेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे राहुल गांधी को, लेट जाएंगे राहुल गांधी जी हमारी छाती पे भी चढ़ के जाएंगे, उसके लिए मंजूर है, हमें देश के लिए हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। ये देश में झूठ बोलकर आए थे मैडम, ये देश में झूठ बोलकर आए थे, इन्होंने क्या साबित किया था कि जो कांग्रेस है ना ये मुसलमानों का पक्ष लेती है, ये हिंदुओं से नफरत करती है, लेकिन ये सब झूठ निकला। अभी देखो क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति रखी थी राजीव गांधी जी ने, 6 दिसंबर 1992 को तुड़वाई नरसिंह राव जी ने, अगर वो चाहते जैसे मोदी जी ने कश्मीर में फौज लगा दी थी ऐसे ही वहाँ भी फौज। मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं तो अयोध्या का राम मंदिर तो बनवा रहे हैं, तो सारा राम मंदिर का काम तो कांग्रेस ने किया है, ये तो खाली झंडा लेके घूम रहे हैं, झूठ बोलते हैं, ये सारा काम तो कांग्रेस का, हर रैली हर कहीं कहते हैं राम मंदिर की, झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं, टोटल झूठ बोलते हैं, सामने बिठाओ झूठ बोलते हैं टोटल। अच्छा। सारा तो कांग्रेस का करा है, बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के जो 70 सालों में नकार दिया जाता है, ये बिल्डिंग इमारत हमारे घर के बुजुर्ग जो बना के गए हैं, कंस्ट्रक्शन किए, नींव बना दिया, अंदर आप फानूस लगाओ, लालटेन लगाओ, पंखे लगाओ, किसने बोला है, सजाने को सजाना था ना, आपके तो जो पुरानी फिटिंग्स थी वो भी उखाड़ के बेच दी। अच्छा। मतलब बुजुर्गों ने जो नींव तैयार करी है, इसरो नहीं होता तो कहाँ से अपनी फोटो चंद्रयान पे चिपका के भेजते हैं। अच्छा।
हॉस्पिटल नहीं होते तो कहाँ से कोरोना का इलाज कराने भेजते हैं। आप कोरोना में 20,000 करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज रिलीफ फंड दे रहे हो, जिसमें 16,000 करोड़ के रफाइल की डील हो रही है। कोरोना में रफाइल जरूरी था, कोरोना में यहाँ पे इलाज की जरूरी थी। दुनिया में आप दवाइयाँ बांट रहे हैं इसी रास्ते से। ये पब्लिक के पैसे बांटे जाने वाली भीड़ नहीं है ये। ये पार्टी कार्यकर्ता सिर्फ आपको बिलों में नजर आएंगे, बाकी जो आप देख रहे हैं ये कोई प्रदर्शनकारी या कोई खरीदे हुए जो दर्शक होते हैं वो नहीं है। सो यू कैन ऑलवेज सी ऑन द रोड। तो देखा आपने दिल्ली की जनता जिसकी क्या राय, और देखिए कैमरा इसको भी पीछे दिखा, लोग किस तरीके से उत्साहित लग रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर कि यहाँ से कुछ ही क्षण में अभी निकलने वाले उनको लेकर। तो हम इन्हीं लोगों से जान लेंगे कि कितने उत्साहित लग रहे हैं। काफी उत्साहित यहाँ के लोग लग रहे हैं भारत जोड़ो को लेकर। देखिए किस तरीके जा रहे हैं। तो देखा आपने इस तरीके से यहाँ के दिल्ली वासियों ने राहुल गांधी के स्वागत की बात की है, और वही साथ ही साथ बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, सबका साथ बहुत अहम रखता है। लगातार ऐसी अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।